मैं हूं नंदकिशोर जोशी, क्रांति उड़ीसा वेब टीवी का एग्जीक्यूटिव एडिटर। अब मैं आया हूं आपके सामने एक संपूर्ण नए विषय को लेकर। विषय का नाम है बंगाल चुनाव एक नज़र में या मेरी नज़र में। 1952 से लगातार हमारे देश में आम चुनाव होते आए हैं। सारे राज्यों में भी आम चुनाव विधानसभाओं के लिए होते आए हैं, लोकसभा के लिए भी होते हैं, विधानसभा के लिए भी होते हैं। उसी 1952 से बंगाल में भी लगातार चुनाव होते आए हैं। बंगाल में 1967 तक एकतरफा वहाँ एकतरफा राज रहा है कांग्रेस का। एक से बढ़कर एक कांग्रेस के मुख्यमंत्री वहाँ आए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख थे डॉक्टर विधान चंद्र राय, जो भारतवर्ष में जब से देश आज़ाद हुआ है जो चार पांच सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हुए हैं हमारे देश में, उनमें सर्वोपरि हैं डॉक्टर विधान चंद्र राय। पेशे से वो एक डॉक्टर थे, लेकिन स्वाधीनता संग्रामी भी थे और बहुत अच्छे डॉक्टर के रूप में उनको प्रतिष्ठा मिली थी। और उनके जन्मदिन को ही हमारे देश में डॉक्टर्स डे बोल के माना जाता है, पालन किया जाता है। और एक खास बात उनकी ये थी डॉक्टर विधान चंद्र राय की, कि वो प्रधानमंत्री उस समय के जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पर्सनल फिजिशियन भी थे। अर्थात जब भी नेहरू को कोई शिकायत, स्वास्थ्य संबंधी शिकायत होती थी, तो डॉक्टर विधान चंद्र राय ही उनके मुख्य स्वास्थ्य सलाहकार हुआ करते थे। एक और विशेष बात है डॉक्टर विधान चंद्र राय के बारे में, वो भारत रत्न से भी नवाजे गए थे। भारत में बहुत कम ही मुख्यमंत्री, शायद मैं सोचता हूँ शायद चार पांच मुख्यमंत्री होंगे जिनको भारत रत्न जैसी सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया हो। उन्हीं चार पांच जो मुख्यमंत्री में सर्वोपरि थे डॉक्टर विधान चंद्र राय, बहुत पॉपुलर बंगाल में बहुत पॉपुलर मुख्यमंत्री थे। और जब कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन वहाँ 1980 के दशक में वहाँ एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बंगाल में, वो उस समय जो यहाँ भारतवर्ष में राजनीतिक व्यवस्था ऐसी होती है कि जो पॉलिटिकल पार्टी का अधिवेशन, आम अधिवेशन कहीं पर होता है, तो उसमें एक प्रमुख व्यक्ति के नाम से या प्रमुख कोई घटना चक्र के नाम से वहाँ एक नगर को बसाया जाता है, नगर का नाम दिया जाता है। तो उस समय जो 1980 के दशक में जो भारत में वहाँ जो अधिवेशन हुआ था बंगाल में कांग्रेस का, उस अधिवेशन के स्थल का नाम दिया गया था डॉक्टर विधान नगर। डॉक्टर विधान राय, इसी से आप समझ गए होंगे कि कितने लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे बंगाल के उस समय के। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिद्धार्थ शंकर राय वहाँ 1971-72 में वहाँ मुख्यमंत्री हुए। उसके पहले तक जितने भी 1952 से लेकर 71-72 तक, अर्थात 20 साल के अंदर में जितने भी 20-21 साल के अंदर में मुख्यमंत्री हुए, सारे के सारे कुंवारे मुख्यमंत्री ही थे। कोई भी शादीशुदा मंत्री मुख्यमंत्री वहाँ नहीं हुए। डॉक्टर विधान राय, उदाहरण के तौर पर मैं नाम आपको बताऊँ डॉक्टर विधान राय, उसके बाद प्रफुल्ल चंद्र सेन, पीसी सेन के नाम से वो ज़्यादा विख्यात थे, अजय मुखर्जी इत्यादि जितने भी वहाँ मुख्यमंत्री हुए 20 साल के अंदर, सारे के सारे कुंवारे मुख्यमंत्री थे। प्रथम विवाहित मुख्यमंत्री हुए सिद्धार्थ शंकर राय और उनकी धर्म पत्नी थी माया राय। दोनों भारतवर्ष के विख्यात बैरट लॉ थे, अर्थात बैरिस्टर थे। प्रथम विवाहित मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय हुए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटरेस्टिंग बातें जो बंगाल के चुनाव के बारे में। बंगाल के चुनाव में 1952 से लेकर 1972 तक जितने भी चुनाव हुए हैं, उसमें अधिकांश चुनाव विशेषकर 67 से लेकर 71-72 तक में बीच में दो तीन मध्यावधि चुनाव हुए हैं, और उस मध्यावधि चुनाव के बीच में ज़्यादातर संघर्ष, या यूं कहूँ मैं खूनी संघर्ष, कांग्रेस बनाम CPM वहाँ हुआ करते थे। मतलब उस दौर में कांग्रेस सत्ता पक्ष में थी और मुख्य विपक्षी दल हुआ करता था CPM, वामपंथी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी CPM हुआ करती थी। और हर एक चुनाव में दोनों के अंदर में खूनी जंग, खूनी संघर्ष दोनों के कार्यकर्ताओं के बीच में हुआ करता था। उसी जो पहले कांग्रेस बनाम CPM था, उसके बाद 1977 में
वहाँ वामपंथी सत्ता में आई, इसके इमरजेंसी के पश्चात जो इलेक्शन हुए हमारे देश में, बंगाल में भी जो इलेक्शन हुआ 1977 में, उसमें वामपंथी दल सत्ता में आई बंगाल में, और ज्योति बसु वहाँ के मुख्यमंत्री हुए और लगातार 23 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे। और उन वर्षों में जितने भी आम चुनाव बंगाल में हुए, सारे आम चुनाव में वही बंगाल में वही हुआ जो कांग्रेस वर्सेस सीपीएम हुआ करता था। बाद में जब सीपीएम सत्ता में आई तो सीपीएम वर्सेस कांग्रेस होने लग गया जितने भी आम चुनाव हुए। तत्पश्चात पिछले 10 साल में वहाँ तृणमूल कांग्रेस का शासन रहा और तृणमूल कांग्रेस ने वहाँ कांग्रेस की जगह ले ली, और तृणमूल कांग्रेस वर्सेस सीपीएम वहाँ पर हिंसा होती रही चुनाव में, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस इसके पहले 10 साल अभी तो तृणमूल कांग्रेस का राज्य बंगाल में, इसके 5 साल पहले तृणमूल कांग्रेस ने वहाँ पर काफ़ी संघर्ष कर सत्ता हासिल की थी। वो जो 5 साल तक ममता बनर्जी के दौर में जो संघर्ष हुआ बंगाल में, और बंगाल में जो ममता बनर्जी छाई, वहाँ ममता बनर्जी ने जो संघर्ष कायम किया और बार बार में हड़ताल बंद वगैरह जो जन आंदोलन खड़ा किया सीपीएम के खिलाफ, जो लोग भारतवर्ष में ये सोचते थे कि सीपीएम के जड़ बंगाल में काफ़ी गहरी हो चुकी है, उस गहरी जड़ को उखाड़ फेंका ममता बनर्जी जैसे जुझारू कार्यकर्ता ने, जुझारू नेत्री ने। वो उस समय बंगाल में कम्युनिस्ट वर्सेस तृणमूल कांग्रेस का खूनी संघर्ष जारी रहा हर इलेक्शन में। इसके पश्चात तृणमूल जब पावर में आ गई तो तृणमूल वर्सेस वामपंथी हो गए। अब लेकिन इंटरेस्टिंग है, इस बार का जो चुनाव हुआ है वो विगत सारे चुनावों से भिन्न है, इंटरेस्टिंग है। यहाँ भाजपा अभी मुख्य धारा में आ गई है बंगाल के चुनाव में, और अब जो संघर्ष हो रहा है सत्ता के लिए, उसमें यूं कहूँ कि खूनी संघर्ष हो रहा है, तो उसमें तृणमूल कांग्रेस बनाम भाजपा आ गई है, अर्थात यही दोनों ही अभी बड़ी पार्टी है बंगाल में। 2 साल पहले भी जो वहाँ लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 में, उस 2019 के चुनाव में भी 18 सांसद की सीट भाजपा अपने दम पर, अकेले अपने दम पर वहाँ से पाई थी। हालांकि वहाँ मेजर पार्टी रही, 24 सीट हासिल की थी तृणमूल कांग्रेस ने, लेकिन 18 सीट अपने दम पर जीत पाई भाजपा। तो इसलिए भाजपा को लग रहा है कि इस बार का जो चुनाव होगा, हो रहा है आम चुनाव बंगाल विधानसभा में, उसमें भाजपा को लग रहा है कि वो सत्ता में आ जाएंगे, और उसी वही डर ममता बनर्जी को खा रहा है। तृणमूल कांग्रेस की जो नेत्री ममता बनर्जी, उनको वही डर खा रहा है कि भाजपा कहीं सत्ता में ना आ जाए, क्योंकि भाजपा में और ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस में दोनों में काफ़ी वैचारिक मतभेद हैं। भाजपा जहाँ हिंदुत्व की बात कहती है, हिंदुत्व की राह दिखाती है, वहीं ममता बनर्जी पर आरोप लग रहा है भाजपा के द्वारा कि ये मुस्लिम तुष्टिकरण या माइनॉरिटी तुष्टिकरण को, माइनॉरिटी को खुशी करने के लिए सारी राजनीति करती हैं, और शासन तंत्र को माइनॉरिटी खुशी करने के लिए ही मोड़ रखी है। ऐसा आरोप बीजेपी द्वारा तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बनर्जी पे जड़ता आ रहा है पिछले कई सालों से। अब मैं एक और इंटरेस्टिंग बात इसमें कहूँ कि पिछले 5 साल के नीचे करीब एक बार सीपीएम वाले राइटर्स बिल्डिंग, वहाँ जो सचिवालय है बंगाल में कोलकाता में, उसका नाम है राइटर्स बिल्डिंग, वो सचिवालय में एक बार सीपीएम वाले कुछ मेमोरेंडम देने के लिए ममता बनर्जी के पास पहुँचे। तो जिस दिन वो लोग मेमोरेंडम देने के लिए पहुँचे थे, उस दिन तृणमूल कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उस समय ममता बनर्जी के चैम्बर में मौजूद थे। उन्होंने सीपीएम वालों को स्वागत किया मिठाई के साथ। जो सीपीएम के कार्यकर्ता नेता जो उस समय मेमोरेंडम देने 4-5 पहुँचे थे ममता बनर्जी को, सबों का स्वागत तृणमूल कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने किया रसगुल्ला खिला के। और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने उस समय सीपीएम के नेताओं को बोला कि भाई साहब, आप अपनी राजनीति थोड़ा थोड़ा धीमा कर दिए हैं, आप फिर से सक्रिय होइए, क्योंकि बंगाल में भाजपा बड़े जोर शोर से सक्रिय हो रही है, इसलिए आप जब सक्रिय होंगे तो भाजपा सक्रिय नहीं हो सकती। ऐसा उदाहरण भारतवर्ष की राजनीति में बहुत कम ही मिलता है कि एक शासक पक्ष दूसरे विपक्ष की पार्टी को, उनको बोले, वो भी मिठाई खिला के, कि आप लोग सक्रिय होइए राजनीति में, क्योंकि उस समय से
तृणमूल कांग्रेस को विशेषकर ममता बनर्जी को डर लग रहा था कहीं भाजपा सक्रिय न हो जाए ज़्यादा बंगाल में, और अगर सक्रिय हो गई तो फिर उनके साथ में विरोध में पंगा लेना विशेषकर इलेक्शन में बहुत महंगा पड़ सकता है। जो आशंका करीब 5 साल पहले ममता बनर्जी ने और तृणमूल कांग्रेस ने व्यक्त की थी, वो का वो आज हकीकत में परिणत हो रहा है। हकीकत में आज सीपीएम या कांग्रेस पार्टी बंगाल के चुनाव से करीब करीब बाहर से हो गए हैं, और मुख्य प्रतिद्वंदी है आज तृणमूल कांग्रेस के सामने भाजपा। अब चुनाव तो बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं, खूनी संघर्ष भी हो रहा है, लेकिन एक आनंद का विषय एक है कि इस बार के मतलब के इलेक्शन कमीशन की कड़ाई के चलते खूनी संघर्ष जो पिछले करीब 20-30 साल में जो खूनी संघर्ष या 40 साल में जो बंगाल में होता आया है हम लोग देखते आए हैं, उसके मुकाबले में काफ़ी कम खूनी संघर्ष वहाँ हुआ है। अर्थात कुल मिला के अगर कहा जाए इक्का दुक्का घटना को छोड़कर वहाँ अभी तक ज़्यादा कोई मारपीट या हिंसा नहीं हुई है। छिटपुट घटनाएँ अवश्य हुई है, केवल एक घटना को छोड़कर जहाँ अभी पिछले चुनाव के समय 4 आदमी CISF के गोली से भुने गए थे और CISF ने अपने सुरक्षा के लिए उनके ऊपर गोलियां चलाई। इस एक घटना को छोड़कर बंगाल चुनाव इस बार का जो हो रहा है करीब करीब शांतिपूर्ण ही हो रहा है, तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन भी बधाई के पात्र हैं। और अब बंगाल की जनता जो सोचती है, कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था एक बात, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे द रेस्ट ऑफ इंडिया विल थिंक आफ्टर 10 ईयर्स, ऐसा ही वाकया मुझे दिख रहा है। इस बार का बंगाल का चुनाव जो होगा भारत के लिए आगामी कई चुनावों के लिए एक आदर्श साबित होगा, क्योंकि इस बार अगर बंगाल में अगर तृणमूल कांग्रेस जीत जाती है तो भाजपा के लिए आगामी लोकसभा के चुनाव में वो तगड़ा मुकाबला विपक्षी वाले देंगे, ऐसा राजनीतिक पंडितों का मानना है। और अगर भाजपा वहाँ जीत जाती है तो भाजपा को फिर टक्कर देने वाला विपक्ष में सारे भारत में मिलना बहुत मुश्किल है, यह मेरा आकलन है। थैंक यू।